देखिए मुझे जो बोलना मैं बोल चुका हूं, जब तक झनक यहाँ पे है कोई इसकी बेइज्जती नहीं करेगा। आखिर झनक की कामयाबी नहीं देखी गई बोस परिवार के सदस्य से कि उसका प्यार आज जीत ही गया सबके सामने, जहां बोस परिवार से लेकर सृष्टि मासी लगी है आज झनक को हमेशा के लिए अनी के जीवन से हटाने के लिए। वहीं अब बस दो या तीन दिन की बात है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अनी बेटा तू समझ नहीं रहा है, अर्शी वापस आएगी और झनक को यहाँ देखेगी तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थामी, अर्शी जाने से पहले बोल के गई है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती। Cut! Very nice shot. Shot एक बार चेक करें। Yeah, sure, sure, please. अनिरुद्ध जी का एक्सीडेंट हो गया, ऊंचाई से गिर गया है। अनिरुद्ध किसी ऊंची जगह से गिर गया और उसे बहुत चोट आई है झनक। क्या? हाँ झनक, यहाँ पर हम सब मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ। हे शिव शंभु, बस सर जी को कुछ ना हुआ हो। ड्राइवर प्लीज जल्दी से चलिए। यस मैम। तेजस, खलास। और अब जिस झनक के साथ इतना बड़ा छल हुआ है अनी के नाम पर, और झनक बेहोश भी है और तैरना भी नहीं आता उसे, तो अब आखिर कौन बनेगा मसीहा? कौन बचाएगा झनक को? क्या अनी की तड़प अब अपने ही घर वालों के खिलाफ जाएगा, या उसे पता चलेगा कि इस साजिश में और कोई नहीं पर सृष्टि का ही हाथ है और तेजस एक बार फिर आया है झनक और अनी के जीवन में तबाही मचाने। बने रहिए झनक की सारी आने वाली अपडेट्स के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।